बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। होप सो यू आर फाइन। इस वीडियो में हम 3 क्लास की इंग्लिश की यूनिट नंबर 2 का पेज नंबर 9 स्टडी करेंगे। पेज नंबर 9 पे आपको ये पिक नज़र आ रही होगी, इसमें ये एक लड़का है, इसका नाम डेविड है और ये स्कूल जा रहा है। ये पैराग्राफ डेविड की डेली रूटीन के बारे में है। रीडिंग करते हैं। डेविड गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब डेविड सिंगल और नाउन यानी कि एक नाम है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इसका इजाफा हुआ है। डेविड गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही वॉशेस हिज फेस। अब हमने डेविड की जगह यानी कि इसम की जगह प्रोनाउन यूज़ किया। ही जो है वो प्रोनाउन है बेटा जी। वो लफ्ज जो इसम की जगह पर इस्तेमाल किया जाए उसे प्रोनाउन कहते हैं। अब किसी भी एक नाम को बार बार दोहराया नहीं जा सकता, इसलिए उस लफ्ज का मुतबादल इस्तेमाल किया जाता है। डेविड का मुतबादल ही वॉशेस हिज फेस, ही ब्रशेस हिज टीथ, ही ईट्स हिज ब्रेकफास्ट, ही लव्स हिज स्कूल, हिज स्कूल इज नियर टू हिज हाउस, ही सेज गुड बाय टू हिज मॉम एंड डैड, ही हरीज टू हिज स्कूल। डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं। गेट्स अप अर्ली मॉर्निंग, वॉश टीथ, ब्रेकफास्ट नियर, गुड बाय। जो डिफिकल्ट वर्ड हमने अंडरलाइन किए हैं उनके मीनिंग पढ़ते हैं। अर्ली सवेरे, गेट अप उठना, मॉर्निंग सुबह, नियर करीब, वॉश धोना, टीथ दांत, ब्रेकफास्ट नाश्ता, गुड बाय खुदा हाफिज। इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करते हैं। डेविड गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डेविड सुबह सवेरे उठता है। ही वॉशेज हिज फेस, वो अपना चेहरा धोता है। ही ब्रशेज हिज टीथ, वो अपने दांत ब्रश करता है। ही ईट्स हिज ब्रेकफास्ट, वो अपना नाश्ता करता है। ही लव्स हिज स्कूल, वो अपने स्कूल से प्यार करता है। हिज स्कूल इज नियर टू हिज हाउस, उसका स्कूल उसके घर के करीब है। ही सेज गुड बाय टू हिज मॉम एंड डैड, वो अपने अम्मी और अब्बू को खुदा हाफिज कहता है। ही हरीज टू हिज स्कूल, वो स्कूल के लिए जल्दी में होता है या वो जल्दी जल्दी स्कूल जाता है। अब नीचे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं डेविड के बारे में। डज डेविड गेट अप लेट इन द मॉर्निंग, इस सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क है और हेल्पिंग वर्ब यानी कि डज जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में है। ये सेंटेंस किसका हुआ? इंटरोगेटिव का। और हेल्पिंग वर्ब शो कर रहा है यानी कि डज शो कर रहा है प्रेजेंट को। डज डेविड गेट अप लेट इन द मॉर्निंग, क्या डेविड वो देर से उठता है? नो नहीं, ही डजंट, वो नहीं उठता। अब डजंट जो है वो शॉर्ट फॉर्म है डज नॉट की। डज डेविड हरी टू स्कूल, क्या डेविड को स्कूल जाने की जल्दी होती है? यस ही डज, जी हाँ उसे होती है। इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन आपके सामने रिटन फॉर्म में मौजूद है, आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। इस यूनिट के वर्ड्स सेंटेंसेस पढ़ते हैं। गेट अप, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। लव, वी लव पाकिस्तान, हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं। नियर, माई स्कूल इज नियर टू माई हाउस, मेरा स्कूल मेरे घर के करीब है। गो, वी गो टू लाहौर, हम लाहौर जाते हैं। वॉश, आई वॉश माई फेस डेली, मैं रोज़ाना अपना चेहरा धोता हूँ। स्टूडेंट्स, हमारी यूनिट 2 कम्प्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह यूनिट 3 का बाकायदा आगाज़ करेंगे। अल्लाह हाफिज़।